दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा संतोषजनक, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि कभी घटते हैं कभी बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेज आ रहे हैं, नंबर ज्यादा नहीं ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी तक भी इस तरह से 25 तारीख तक हमने कहा रुकने के लिए और 25 को कैबिनेट में निर्णय ले लिया जाएगा। और बच्चों का भविष्य है और भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब हमको स्कूल जाना है, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल भेजना चाहिए, और मैं समझता हूँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ उसका, और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, हमने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो तैयारी रखें कि अब आने वाले समय में स्कूल खोलने की जो संभावना बनेगी उसके अनुरूप हम काम कर सकें, करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी बातचीत आज हुई है और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन हम शिमला के ड्रॉप से करेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को इसके साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। जी, अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, और आमतौर पर जब बरसात समाप्त होती है उसके बाद एक असेसमेंट होती है, सेंटर की टीम भी विजिट करती है और हम हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजे के लिए हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है कि वो आकलन करें, असेसमेंट करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और उसके साथ साथ में जब वो टीम केंद्र से आएगी विजिट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, उस असेसमेंट के आधार पर हम केंद्र को जो आकलन होगा असेसमेंट का उसको भेजेंगे और केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल की, और उसके साथ साथ में इस बरसात के कारण जो हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो है प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए केंद्र उचित मदद हमारी करें। कमिश्नर्स के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पूरे देश भर में चल रही है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 29 लाख लोग उसमें लाभान्वित हुए और इस योजना का जब शुभारंभ हुआ था तो उसके बाद जब ये सारा काम चल रहा था आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों जो लाभार्थी हैं उनको प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा था, और उसी तरह पर हम हिमाचल प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम में अंतर इस प्रकार से है कि हमारे केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री जिनके पास फूड का महकमा भी है, पीयूष गोयल जी 25 तारीख को शिमला आ रहे हैं और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, मतलब जनसंघ के संस्थापक के रूप में जिनको जाना जाता है, उस दिन हम इस कार्यक्रम को पिटरॉक में करेंगे। और उसके अतिरिक्त लगभग 140 LED लगेंगी पूरे प्रदेश भर में, सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और उसके साथ साथ में जितने भी हमारी जो PDS शॉप्स हैं वहाँ फेयर प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप पे वहाँ पर भी इसका सीधा प्रसारण जो है हम करेंगे। तो ये कार्यक्रम हमने उस दिन के लिए निर्धारित किया है और पीयूष गोयल जी का डिटेल प्रोग्राम आने वाला है, कुछ और भी उसमें एक दो मीटिंग्स और भी, एक दो कार्यक्रम और भी, एक कार्यक्रम कुल्लू में भी संभावित है उसमें, जो क्योंकि उसके पास कपड़ा का महकमा भी है, उनके पास हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम हमारा हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़ा एक आय का जरिया है, रोजगार का जरिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी उसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, हिमाचल का शॉल, हिमाचल की टोपी, हिमाचल का मफलर, हिमाचल की जुराबें, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं। उस दृष्टि से एक कार्यक्रम पीयूष गोयल जी का हम कुल्लू में भी 26 तारीख को
करने के लिए प्लान, उन सारी चीजों को लेकर के विचार कर रहे हैं। ये चीजें होगी लेकिन कब होगी ये सारा निर्धारित करना। थैंक यू।